ओके सर, तो आज कहाँ घुमा रहे हैं हमें? आज चलते जी कुल्लू की तरफ, कुल्लू की साइट सींग और हाँ जी जी कुल्लू कुल्लू मणिकरण कर रहे और मणिकरण कसौल। हाँ जी जी ठीक है। ये वही ब्रिज है रामशिला, जिससे हम आगे गए थे राइट लेके, यूटर्न लेके बिजली महादेव मंदिर, और इसी ब्रिज से हम आगे जाएंगे। और इस बार हम यूटर्न नहीं लेंगे और इस बार हम सीधे जाएंगे रामशिला ब्रिज से। और यही रास्ता कसौल भी जाता है। कसौल भी यही है। हाँ कसौल रास्ते में ही है। हाँ कसौल पहले आता है। और ये विशाल का है पहाड़ जिसे देखने दुनिया आती है। इसके ऊपर बिजली महादेव की है। अच्छा इसी इन्हीं पहाड़ के ऊपर टावर देखो सामने। वो जो टावर दिख रहा है वो कल हम वहीं पे थे, बिजली महादेव। अच्छा अब ये मणिकरण की रोड है, अगर किसी ने मनाला ट्रैक करना है तो उनको भी यही रोड पकड़नी पड़ेगी। हाँ जी कसौल मणिकरण और यहाँ जेरी, जेरी से आपने लेफ्ट ले लेना। जेरी से लेफ्ट, हाँ इसका बोर्ड भी बताएगा। अच्छा इसका एक बोर्ड भी डायरेक्शंस प्रॉपर लिखी हुई है। ठीक है। मनाला ट्रैक कितने किलोमीटर का? मनाला ट्रैक भी 2 घंटे का रनिंग, 2 घंटे का है वॉकिंग। स्टेयर्स हैं या पूरा पहाड़ी रास्ता है? पहाड़ी रास्ता ही, पहाड़ी रास्ता है पूरा मनाला ट्रैक। आगे क्या मंदिर है वहाँ पे? नहीं गांव देखने के लिए जाते हैं, ओल्ड कल्चर। अच्छा ओल्ड कल्चर अगर आपको देखना है तो आप मनाला ट्रैक करो। हाँ। पुराने लोग आपको वहाँ पे दिखेंगे, दिखेंगे आर्किटेक्चर दिखेगा पुराना वहाँ पे। अच्छा मनाला ट्रैक करना है, हम तो आगे निकल जाएंगे मणिकरण के लिए। और ये लेफ्ट में गेट पड़ता है मनाला के लिए, ये भी बहुत अच्छा ट्रैक है अगर लोकल कल्चर देखना है आपने। मनाला गांव, गांव का नाम है ना मलाना। हाँ आप देखो जिले 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 अब तक ने हम धड़कने सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल दो हमें जीने दो जीने दो। जाम मिलना हमें शुरू हो चुका है कसौल मणिकरण के रास्ते में, काफी लंबा जाम है, एंड तक जाम ही जाम। स्लो मूविंग ट्रैफिक है बट इट्स मूविंग। पहुंच चुके हैं फिर 1 घंटा हो गया हमें कुल्लू से चले हुए, यहाँ से थोड़ी दूर और मणिकरण। ये सामने पार्वती वैली है, पर्वत का नाम पार्वती है, पर्वत पार्वती। बाइक स्कूटी भी रेंट पे मिल जाती है यहाँ पे, और गाड़ियां भी मिल जाती हैं, बस बाइक और स्कूटी मिलेंगी यहाँ पे रेंट पे।
टॉल वाइन हाउस। कैंपिंग ट्रैकिंग के डीलर भी हैं यहाँ पे काफी। सॉल का मेन बता रहा है अगर गर्म कपड़े लेने हो तो यहाँ से लिए जा सकते हैं। क्या क्या डाला है इसमें? सर इसमें चने होते हैं। हाँ डाला है। अच्छा सर हरी मिर्ची डालूं? हाँ थोड़ी सी, उसमें नहीं डाला था ना मैंने। ठीक है टिक्की चाट जी सर कितने की? 40 की होती है सर, बोल सकते हो। थैंक यू सर। एक मिनट एक्शन देता हूँ जल्दी कर सकते। और मैं गाड़ी खड़ी करनी है तो यहाँ पे पेड़ पार्किंग भी है, लेकिन ये कसौल क्रॉस करके फिर आपको मिलेगी। पहले भी गया कसौल के पेड़ पार्किंग नहीं। कसौल खत्म हो गया, जाम खत्म हो गया क्योंकि मणिकरण और कसौल का रास्ता एक ही है और ये एक होना नहीं चाहिए, अलग होना चाहिए। या तो इसी को चौड़ी करके बाईपास रोड बना दी जाए एक सीधा मणिकरण, तब जाके ये थोड़ा जाम खत्म। सजेशन इतनी सुंदर जगह, ये तो जाम लग रखा है पूरा। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। ये देखो जी खाली रोड है। HR 26 और ये नंबर है, ये मैं आज पुलिस में करूंगा रिपोर्ट इसको। नहीं आवाज मत निकालो अंकल, फिर आगे कैसे ले जाएगा वो, क्या भी पता लगेगा इनको पे क्या होता है ये। उससे और लोग फंसेंगे ना, हवा कम हो जाएगी तो ऐसे गाड़ी लगा देते हैं ये। कंप्लेंट तो मैं करूंगा जी, ड्रॉप करो कंप्लेंट। हाँ और इस वजह से ये पूरे पूछा पीछे पूरी बस लगी पड़ी और पूरा जाम। बदतमीजी है बहुत ही। और इसी गाड़ी के ठीक पीछे एक और गाड़ी है, इसका भी रिपोर्टिंग तो की जाएगी आज। यूपी हरियाणा दिल्ली आज कैसे बच गया? दिल्ली गाड़ी तो उससे आगे खड़ी होगी पक्की बात है, देख के तो मैं आऊंगा किसी में ले दिल्ली नाम रोशन किया दिल्ली यूपी हरियाणा ने। आपकी है क्या भाई? ये तो नहीं है ना दिल्ली की? नहीं नहीं बस ठीक है फिर, इनकी वजह से जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा। एक सजेशन है यहाँ पे भी, अनाउंसमेंट सिस्टम तो होना चाहिए, या तो कोई भी गाड़ी पार्क करके जाएं तो अपना नंबर लिख के छोड़ जाएं, जरूर कॉल करके बुला तो लें उन्हें। कई बदतमीजी, एक तो इनके नीचे कैंप हैं लेकिन ऊपर पार्किंग नहीं है इनके पास अपनी कैंप वालों की, तो कैंप बना के ये बैठे हुए नीचे तो लोग गाड़ी लोग वर्क करके जाते हैं। तो भाई साहब कभी ऐसे मत करना, सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं ये पंजाब HP की भी है एक TL। क्या बात है, यहीं से पार्किंग लोगों ने शुरू कर दी। हाँ कसौल जाना हो चाहे मणिकरण जाना हो ये जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। बस मणिकरण थोड़ा ही रह गया, अब जब ये ऐसी चट्टान आ जाए तो समझ लो द्वारे जी का गेट। और ये करिए दर्शन आप मणिकरण साहिब के, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं।
ये स्रोत है गर्म पानी का, जो नेचुरल वाटर हॉट स्प्रिंग है, यहाँ निकलती है। ये है मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। कड़ा प्रसाद और लंगर बना रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या अवेलेबल है फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन है, रह सकते हैं आप, टी एंड लंगर है, पार्किंग है, हॉट बाथिंग है, ये सब फ्री फैसिलिटीज़ हैं गुरुद्वारे की। और गुरुद्वारे साहिब परिसर में गाइडिंग करना मना है। गुरुद्वारे का रास्ता ही है, आप अंदर से आते हुए आपको बोट्स दिखी जाएंगे। वेलकम। मैंने उनको ये बताया कि मैं आपको मेरे टोटल और अब मैं आपको मणिकरण के बारे में कुछ बताता हूँ। इसके जो सिख हैं उनके अपने विचार हैं और जो हिंदू हैं उनके अपने विचार हैं। तो ये कहा जाता है कि पार्वती जी और शिव जी यहाँ पर आए थे घूमते घामते, और इन्होंने यहाँ पे अपने मंत्रों के जाप शुरू किए। और एक्चुअली में कहा जाता है कि ये 1100 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए, 1100 साल। तो जब वो यहाँ पे रह रहे थे तब पार्वती माँ का जो एक प्रीशियस स्टोन था, एक मणि था, वो खो गया था, और वो पार्वती नदी में खो गया था। तो उन्होंने गुस्से में अपने शिवजी भगवान से रिक्वेस्ट करी कि वो मणि आपको आप निकाल के दें। शिवजी ने अपने अटेंडेंट को बोला और वो नहीं निकाल पाया।
इससे क्या हुआ कि शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली गुस्से में, ब्रह्मांड में सब तितर बितर हो गया। उसके बाद एक अपील की गई शेषनाग से, तो शेषनाग ने अपने फन से ऐसा किया कि उस पानी में एक बॉइलिंग इफेक्ट आने लगा, और जब पानी उबलने लगा तो पानी हर जगह फैल गया उस एरिया में, और जितने भी प्रीशियस स्टोन खोए थे और पार्वती माँ का जो मणि खोया था वो निकल के बाहर आ गया, और इससे पार्वती जी और शिव जी खुश हो गए। इसी वजह से इसका इस जगह का नाम पड़ा है मणिकरण। और ये इतना गर्म है कि यहाँ पे आप चावल भी उबाल सकते हो, आलू भी उबाल सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कहा जाता है आपको काशी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने यहाँ आके दर्शन करें। और अब मैं आपको सिखों का बिलीव बताता हूँ। तो सिख ये मानते हैं कि जो उनके फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे गुरु नानक जी, तो 1500 सेंचुरी में आए थे वो बिक्रमी विद डिसिपल भाई मर्दाना, उनके साथ आए थे अपने चेलों के साथ। तो उनको भूख लगी उनके मर्दाना जी को, और वहाँ कोई खाना नहीं था, तो गुरु नानक जी ने मर्दाना को बोला खाना इकट्ठा करने के लिए एक लंगर के लिए। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आटा ब्रेड ये सब डोनेट किया, बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे कुछ फायर नहीं थी कि खाना पकाया कैसे जाए। तब गुरु नानक जी ने मर्दाना जी को बोला कि एक पत्थर उठाएं वो, और वहाँ से जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया एक हॉट स्प्रिंग निकल पड़ा, तो यही गर्म पानी का स्रोत ये निकल पड़ा। तो जैसा कि गुरु नानक जी ने बताया था, मर्दाना जी ने वहाँ पे चपातियाँ बनाई और अपने चावल बनाए, और इससे उनकी भूख मिटी। उन्होंने बोला भगवान जी को याद करें, उनकी प्रेयर करें, और बोला कि अगर ये चाती ये जो चपातियाँ हैं अगर ये तैरने लगी तो एक चपाती उनके नाम पे डोनेट करें। तो जब उन्होंने वो डोनेट करी तो वो चपाती वहाँ पे तैरने लगी। और अब बात करते हैं लंगर की। तो इंग्लिश में किचन बोलते हैं और पंजाबी में लंगर, तो पंजाबी वर्ड से ये निकला है लंगर। इसका मतलब ये होता है कि एक ये कम्युनिटी किचन है गुरुद्वारे का, तो गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और जितने विजिटर्स हैं सबको इक्वली एक साथ बिठा के रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब हैं अमीर हैं,
किसी भी कास्ट के किसी भी धर्म के सारे एक साथ बैठ के फ्री ऑफ चार्ज बिना पैसे दिए खाना खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है या वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये सब वेजिटेरियन खाना देते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, ये कंसेप्ट काफ़ी धर्मों में है, लेकिन जो गुरु थे गुरु नानक देव जी 1500 सेंचुरी में इन्होंने पंजाब में शुरू किया था ये, और ये एक ट्रेडिशन बन गया। उसके बाद जो गुरु अंगद थे, जो दूसरे गुरु हैं ये सिखिज्म के गुरु अंगद, तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि सारे सिख टेंपल में ये होना चाहिए। तो पहले पंजाब में चलता था, लेकिन फिर हर जगह ये जहाँ भी सिख मंदिर है वहाँ चलने लगा। और फिर जब तीसरे गुरु आए गुरु अमरदास जी, तो उन्होंने इसको एकदम सिस्टमाइज किया और इन्होंने इनक्रेज किया कि जितने भी विजिटर होंगे, खाने वाले होंगे, वहाँ पे दर्शनार्थी होंगे, तो सबसे पोलाइट रहना है, कैसे उनको सर्व करना है। और जो भी यहाँ पे सेवा करते हैं वो सेवादार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बंदे रखे हुए काम करने के लिए, नहीं, हम जैसे आप जैसे लोग ही जाते हैं वहाँ पे, अपना खाते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज, और वहीं सेवा भी करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जूता हॉल में जाके जूते रख सेट कर सकते हैं, लंगर में आप रोटियां बना सकते हैं, कढ़ी चावल दाल आप सर्व कर सकते हैं, आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, आप अपना बर्तन साफ कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, जो आपको अच्छा आता हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो वो आप करें। तो ये एक इक्वालिटी लाने का आइडिया है, सबके बीच में बराबरी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई अगर बीड़ी सिगरेट पीता है या फिर मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो सेवा नहीं करेगा। और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल यहाँ पे मिलते हैं, मेरे तो फेवरेट हैं, आप भी एंजॉय करें। बोलो जी वाहिगुरु, अरदास एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ने हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमर हो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, जी दार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां, चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ किता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघनियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आर्यां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां संग निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी का वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवै चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा साहिब जी, तहां तहां रक्षा रियायत, देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु।
सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विश्वास दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत का राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब जी ते होर गुरुद्वारे गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान सतगुरु जी आओ नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट मेहरवान दयावान बख्शिशां दे भंडारे अंतर जामे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी दे चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर गुरबानी पढ़ी सुनी गई है भुल चुक माफ करनी अगे तू समत बख्शिश करनी सरबत दे कारज रास करने अंग संग सहाई होना सच्चे पातशाह जी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।